कैसे हो आप? नाइन्थ के क्या कर रहे हो? करोना टाइम? ओके, फन टाइम, अच्छी बात है, गुड। एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, मोशन, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं मोशन का पहले, और ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉज, जिसके मैंने आज आपको नोट्स भेजे थे ना, कॉपी में करने हैं, मगर आज हम पहली वीडियो अपलोड करेंगे मंगलवार को, आज मंगलवार, तो उसके भी पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपको जो मैंने मंडे को 13 तारीख को आपको जो नोट्स दिए थे उनको आपको रीड करना था, बस बताने के लिए आपको थोड़ा सा ना कोई चीज है, अननोन चीज है, तो आप उसके बारे में जानते हो ना पहले, तो ऐसे ही आज हम इसे जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि ये फोर्स वगैरह होता क्या। उससे पहले क्विक रिविजन ले लेते हैं एक बार। फर्स्ट चैप्टर देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या किया था बेटा, सबसे पहले मोशन था। मोशन क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। मोशन का अगर हम एक छोटा सा नाम लेंगे मूवमेंट, या बॉडी चेंजेस पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देता है तो मूवमेंट तो होगी बेटा, पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, सिंपली बात। क्विक लेंगे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। रेस्ट, रेस्ट आपको पता है बॉडी कैन नॉट मूव देयर मोशन, है ना, सॉरी, बॉडी कैन नॉट मूव और चेंजेस पोजीशन, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। जो बॉडी अपने आप को मूव ना कर पाए, ना मूवमेंट आ पाए, और ना अपनी बॉडी को चेंज कर पाए, अपनी पोजिशन चेंज कर पाए, और इस वजह से हम सोए हुए हैं। टू बॉडी आर इन मोशन, हाउ कैन इट रिलेटिव? देखो, दो बॉडी आपस में मोशन में होंगी तो कैसे रिलेटिव होंगी? अब कुछ डायरेक्शन का पंगा पड़ेगा यार, क्योंकि डायरेक्शन तो आप सबका हो चुका है। डायरेक्शन टॉपिक ऐसा नहीं है कि किसी का ना हुआ हो, और डायरेक्शन में आते हैं। चलो, एक गाड़ी है, आज गाड़ी छोड़ो यार, आज बस का लेते हैं या बाइक का ले लेते हैं, छोटी सी साइकिल का ले लो। जब आप साइकिल को 10 थोड़ी तेज सी चला लोगे ना, और अपने साइड में देखोगे ऐसा लगेगा इधर आप ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि आपकी हर चीज पीछे जा रही है, बैक जाती जा रही है, होती वो देखो, उसका कारण ये है, आप चल रहे हो, आपके थ्रू बाइसाइकिल चल रही है, बट जो आपके घर है, पेड़ पौधे है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, स्ट्रेट आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जाकर दिखेगा। उसका एक रीजन है, उसका रीजन मैं आपको ग्रेविटेशन में बताऊंगा, वो बहुत बड़ा रीजन है, अभी नहीं। आप लेफ्ट और राइट देखोगे तभी आपकी चीजें आपको बैकवर्ड जाती दिखाई देंगी, आगे या पीछे जाती हुई दिखाई देंगे, अपने मोशन के अपोजिट जाकर दिखाई देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, ठीक है। ये है आपका रिलेटिव, कि एक की वजह से दूसरा आपका मोशन में आ गया, जैसे वो दूसरा तो रेस्ट में है मगर हमें लगेगा कि वो मोशन में आ चुका है। ये हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर फर्स्ट के अभी डिस्कस हो रहे कुछ टॉपिक आपको रिविजन के लिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन कब होगा बेटा? किसी भी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा या जेड एक्सिस पे होगा, तब तभी होगा ना हमारा, हमने कहा था देखो, या तो मोशन हमारा एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, या फिर जेड एक्सिस पे हो, ये ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है ना। आप जैसे रोड पे जा रहे हो तो आप एक्स एक्सिस मान लो, अगर आप स्ट्रेट लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो छत पे तो वो आपका वाई एक्सिस हो गया, और एरोप्लेन ऐसे जाता है यूं, या रॉकेट आप चुड़ाते हो तो ऐसे जाता है ना, वो ऐसे जाता है ना, वो ऐसे ऐसे जाता है, उसकी डायरेक्शन होती है, हम ऐसे डायरेक्शन लगेंगे तो यूं जाएगा, तो वो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये तीन एक्सिस है, कौन सी डायरेक्शन में हमारा क्या चल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है, हम किसको किस डायरेक्शन में चलाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन, मगर एक ही उस पर चलेगा बेटा। अगर आप एक्स एक्सिस पे चलोगे तो एक्स एक्सिस पे ही चलोगे स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा आप जेड पे नहीं आओगे ना, वाई पे आओगे, अगर वाई पे चल रहे हो तो एक्स और जेड पे नहीं आओगे, एक ही लाइन में, ओके। नेक्स्ट आपका स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, हालांकि टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको क्योंकि सिमिलर नहीं होंगे, मैं आपको सिर्फ रीजन बता रहा हूँ। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, विच कैन मेजर इजिली, वो क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी क्वांटिटीज को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? स्केलर, वेक्टर। अब स्केलर में क्या होता है, स्केलर है
ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होती है, जैसे 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर चले हम। अब डायरेक्शन जहाँ लग गई वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मतलब कि हम रोड पे चल रहे हैं, सीधे दिल्ली के लिए जाना था हमें, हमने इतने सारे कट मारे, कौन सी किस भाई यहाँ से यू गए नेशनल हाईवे लिया। अब डायरेक्शन भी छोड़ दो, आप हाईवे पे भी जा रहे हो ना, क्योंकि हाईवे भी आपके नॉर्थ वेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे होगी ना मैप्स पे, नॉर्थ वेस्ट वो डिस्क्राइब करते हैं गूगल मैप्स पे, मैप्स पे भी गूगल मैप्स भी खोलोगे वहां भी आपके डिस्क्राइब होंगे। छोटी सी बात, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डायरेक्शंस तो ये हो जाएंगे आपके डिस्क्राइब होगी कि हम स्ट्रेट गए, यूं गए, ऐसे ऐसे डायरेक्शन से चलेंगे, हम चलते जा रहे हैं, उसमें हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हमें नहीं पता हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, तो वो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कंटिन्यूअस मूवमेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब कंटिन्यूअस मूवमेंट होगी बेटा, मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मगर बिना रुके तो वो यूनिफॉर्म होगी। स्टेप बाय स्टेप या वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन होगा कि स्टेप बाय स्टेप रुक रुक के चलना, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन होगा। नेक्स्ट आपका स्पीड, सॉरी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब ऐसा यूनिट का भी रोल है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का। डिस्टेंस आपका क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट कवर पाथ या अपाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, अपाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ये भी लिख सकते हो। एक पाथ कवर करी गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, सपोज मैं इतना चल रहा हूँ, मैंने इतना चल दिया, तो ये आपका डिस्टेंस होगा, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट डिस्टेंस की आपकी मीटर होती है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं, डिस्प्लेस क्योंकि बेटा मैं इसको इसलिए रिविजन कर रहा हूँ, आपके इसमें काम आएगा फोर्स में, आप सोचोगे सब तो रिविजन कर रहे, ये इसमें बेटा काम आएगा, अभी आगे आप भूल चुके होंगे तो थोड़ा सा रिविजन कराऊंगा बच्चों को, जिन पाता मैं रहेंगे। अब आपका उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगी, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है आपकी, ऐसे डिस्क्राइब करते दोनों को। स्पीड को भी हम वी से डिस्क्राइब करते हैं, वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड की ऐसा यूनिट होती है, क्विक भी लेते हैं अभी ना। उसके बाद एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड आप सबको पता है ना, मैं ऊपर ऊपर से लेके चल रहा हूँ, पढ़ लेना अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर पहले वाली वीडियो देखो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा आपका कभी भी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉट अ एक्सेलरेशन, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे ग्रेविटेशन और फोर्स में भी बहुत काम आने वाला है। जब कोई वेलोसिटी चेंज होगी ना, चाहे वो स्टार्टिंग में जीरो ही क्यों ना आए, मगर स्टार्टिंग की भी वहां कैलकुलेट होगी, जीरो हो, वन हो, टू हो, ना भी होगी ना, तब भी स्टार्टिंग की वेलोसिटी हम जीरो लेके काम करेंगे, ऐसा तो यानी कि होगी नहीं, जीरो मतलब खड़े करें इस पोजिशन में जीरो ही होगी। तो हर चीज काउंट होती है आपके फिजिक्स में। अब यहाँ आपके एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है ना, जब टाइम के साथ कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, है ना, स्पीडोमीटर वगैरह ऑडोमीटर वो आपको पता है, इसलिए आपका स्पीडोमीटर का कोई रोल नहीं है। अब फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स क्या होती है, बेटा फोर्स एक ऐसी चीज या कुछ भी ऐसे हम कह सकते हैं, फोर्स एक ऐसा जो दिखने वाली तो है नहीं, फोर्स आप एक छोटा वर्ड अगर हम कहेंगे ना, फोर्स इज पोटेंशियल, पोटेंशियल ये भी एक तरह की ना, फोर्स एक एनर्जी से या किसी चीज से क्रिएट होती है जो कि हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। फोर्स तो आपको पता है किसी चीज की ताकत होती है ना, और एनर्जी भी हो जाती है, मगर फोर्स इस केस में हम फोर्स कहेंगे, फोर्स मतलब किसी पे बल लगाना, हिंदी में बल लगाते हैं ना, बल हो जाता है कहीं ताकत कह देते हैं हिंदी में, इसका मतलब है बल, बल मतलब हमने इस पे फोर्स एग्जर्ट कर, मोशन में भी आया, मगर फोर्स हमने किस हाथ से फोर्स एग्जर्ट करी तब मोशन में आया, मोशन तो है मगर जब हमने फोर्स एग्जर्ट करी है, कुछ बल लगाया है इस पे, तब ये ताकत में आया है, अपनी पोजिशन डिस्प्लेस कर, जब इसके बारे में आप जानिए। तो इसके बारे में जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो जब आप
अब इधर आएगा हमारा केस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको मंडे को भेजे थे, आज ट्यूसडे है आपका, मंडे को मैंने भेजे थे। नेट फोर्स होगा उसमें, बैलेंस अनबैलेंस वाला टॉपिक होगा, उसमें होगा एक नेट फोर्स। नेट फोर्स होती क्या है बेटा? बेटा देखो, किसी बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है। अब कोई बंदा है, खड़ा है, भीड़ आई थी, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई, उसको सब खींच रहे, कोई इसकी कमीज खींच रहा है, कोई कुछ कुछ खींच रहा है, जिसकी ज्यादा फोर्स होगी वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, मगर उसमें सबकी फोर्स काउंट होगी, वो नेट फोर्स होगी। रस्सी वाला खेलते हो ना खेल, कि यहाँ हमने एक, मेरे को याद नहीं आ रहा उस गेम का नाम, यहाँ हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, कुछ बंदे यहाँ रोप को खींच रहे, कुछ स्टूडेंट यहाँ रोप को खींच रहे, अब जो ज्यादा बल लगाएगा वो अपनी तरफ एग्जर्ट कर लेगा रस्सी को, है ना, होता है ना, मगर उस पे जो टोटल फोर्स होती है वो सबकी जितनी फोर्स लगी है उसका सम होता है। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेस, सॉरी सम ऑफ ऑल फोर्सेस। नेट फोर्स की बात आएगी जब मोशन में, बेटा नेट फोर्स बहुत सारी जगह आती है, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आती है, मगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स की बात जब कहेंगे हम, तो नेट फोर्स का मतलब ये होगा कि जब कोई बॉडी पे फोर्सेस, काफी सारी फोर्सेस अट्रैक्ट है, तो सबका सम करेंगे वो आपका नेट फोर्स होगा। कितने भी फोर्सेस एग्जर्ट है किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, उन सबका सम, कि कितना ये एक कितनी फोर्स लगा रहा है। सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, स्पेस साइंस से बहुत सारे, ए पॉइंट पे एक बंदा है, बी सी, अगर ये सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, वो कितनी फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ ज्यादा लगेगी के पास है, यहाँ कम लगेगी, ये दूर है, वो हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। नेट फोर्स की बात होगी ना, हम एफ नेट लिखेंगे ऐसे, देखो एफ नेट, नेट फोर्स इसको लिखेंगे हम, नेट फोर्स या टोटल फोर्स या नेट फोर्स। टोटल फोर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ, आपको याद रहे, टोटल फोर्स, ठीक है, ये तो एफ नेट जो लगेगी, नेट मतलब एफ नेट लगेगी, वो होगी फोर्स ऑन ए पॉइंट, इसको बेटा एफ एफ भी आपकी दिक्कत दे जाएंगे, इसको हम लिख लेते हैं, फोर्स ऑन ए पॉइंट, फोर्स ऑन बी पॉइंट, फोर्स ऑन सी पॉइंट, फोर्स ऑन डी पॉइंट, फोर्स ऑन सी पॉइंट, कि सी ने कितनी फोर्स लगाई, फोर्स ऑन ए का मतलब ए ने कितनी फोर्स लगाई, बी का मतलब बी ने कितनी फोर्स लगाई, सी का मतलब सी ने, डी का मतलब डी ने, और एफ फोर्स ऑन ई एंड फोर्स ऑन एम, कि एम इन सब का कितनी कितनी फोर्स लगी है, वो एक सिस्टम पे लगी है इन सबकी फोर्स, तो एफ नेट कहलाएगी इन सबका सम। द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज कॉल्ड नेट फोर्स और टोटल फोर्स ऑफ अ सिस्टम। द फोर्स, द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज द नेट फोर्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। आपकी बुक में कुछ और मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें कुछ और होगा, मैं आपको अपने हाथ के अपना नोट्स दे दूंगा, मगर हाँ इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं अभी यार, द सम ऑफ ऑल फोर्सेज, ठीक है, is that sum of all forces in a system is called net force। क्या लिखोगे? The sum of all forces in a system applied an object is called net force। ठीक है, is called applied एक object के लिए वो आपकी net force होगी। कब सारे definition भी कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। अब मैंने balance and balance कराया था आपको, है ना,
एक मैंने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स भी बताया था उसमें टॉपिक्स में। अभी बैलेंस कर लेते हैं पहले। बैलेंस फोर्स इसका मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा बड़ा दिखाया आपको दिखे चाहे ताकि। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि कोई सिस्टम, बेटा अभी यहाँ सिस्टम लेके चलेंगे हम, जब कोई फोर्स की मोशन की बात होगी, एक सिस्टम ऑब्जेक्ट पूरा एक सिस्टम में होगा, एक सिस्टम की बात लेके चलो क्योंकि आपका फिर आगे इशू नहीं आएगा। ये एक सिस्टम में कोई चीज होगी जैसे रोप वाला था, अब वहां नेट फोर्स तो सबकी लगेगी, मगर अगर दोनों साइड वो चीज इक्वल हो जाएगी, जैसे मैं वेट बैलेंस मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है तराजू होती है ना, बनानी नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ आपकी बनाने की। ये वेट बैलेंस बनाने की कोशिश करी है मैंने, ये तराजू है, तराजू है, तराजू जानते हो ना जिस पे आप सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, और इसे वेट बैलेंस भी कहते हैं, मास बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, इसे कहेंगे मास बैलेंसिंग, क्योंकि ये बैलेंस करता है बेटा। ये डिवाइस लिख लो इसे, इंस्ट्रूमेंट छोड़ो आपको दिक्कत होगी, इंस्ट्रूमेंट में डिवाइस लिख लेते हैं सिंपल वर्ड। ठीक है, ये आपकी होती है मास बैलेंस डिवाइस, इसको डिवाइस भी कह देते हैं हम। देखो बेटा कैसे, इसमें क्या होता है, एक किलो सब्जी लेते हो तो एक किलो ही आपका रहता है ना वहाँ, एक किलो आपका जब मिडल में एक किलो का बट होगा, बहुत पुराने वाले सिस्टम की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं, अभी पुराने वाले में वेट बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में नहीं होता क्योंकि एक ही पल रहा होता है वहाँ, यहाँ आपके दो वो होते हैं, एक पे एक किलो का बट रखा जाता है, नॉर्मली मिल जाएगा मंडी वगैरह, कोई सब्जी बेचने आता है आपके यहाँ, एक में आपका आलू सब्जी टमाटर या कुछ भी डाल दिया, वो एक किलो ही देता है, वो जो बीच में आ जाती है सुई, थोड़ा सा इधर हो जाता है वो आपके लिए, मगर वो बीच में होनी चाहिए सुई, है ना, तो वहां वो आपकी बैलेंस फोर्स करता है, मतलब वो आपके दोनों साइड के पल्लों को बैलेंस करता है। ऐसी रोप वाला है, दस बंदे यहाँ दस बंदे वहां है, दस ताकत यहाँ भी लगा रहे हो वहां भी लगा रहे हो, रस्सी बीच में टूट जाएगी मगर उनकी ताकत इक्वल लगेगी, ना तो यहाँ आ जाएंगे ना वो बंदे यहाँ आ जाएंगे, ये बैलेंसिंग है। इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह पढ़ लेना कि भाई बैलेंसिंग होता क्या है, कल करेंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहो बेटा, कॉपी अपनाते रहो, सभी से गुजारिश है मेरी, तो आप सभी कॉपी अपनाते रहो। थैंक्स फॉर